हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से तीनों निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, होशियार सिंह, आशीष शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि तीनों निर्दलीय विधायक 22 मार्च को इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब तक ये इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। विधानसभा सचिवालय ने तीनों निर्दलीय विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 अप्रैल को दोपहर 12:15 पेश होने के लिए कहा था। तीन निर्दलीय विधायक आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के सामने पेश हुए। दोपहर 2:30 तक निर्दलीय विधायकों ने जवाब दायर करने के लिए समय मांगा। स्पीकर ने तीनों निर्दलीय विधायकों को दोपहर 2:30 तक जवाब देने के लिए कहा। दोपहर 2:30 के बाद विधानसभा परिसर में एक बार फिर मामले में सुनवाई शुरू होगी। निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। ऐसे में विधानसभा स्पीकर को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए। निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की है। इस याचिका में ये आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। होशियार सिंह ने कहा कि वह ये चाहते हैं कि विधानसभा स्पीकर नियमों के तहत उनका इस्तीफा स्वीकार कर ले। विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने पठानिया से क्या कहा? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा सचिवालय की ओर से तीनों निर्दलीय विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तीनों निर्दलीय विधायकों को 9 अप्रैल की शाम तक जवाब देने के लिए कहा गया था, हालांकि तीनों निर्दलीय विधायकों ने जवाब नहीं दिया। ऐसे में उन्हें जवाब देने के लिए दोपहर तक का समय दिया गया है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायकों के 22 मार्च को इस्तीफा देने के बाद 23 मार्च को उन्हें कांग्रेस के 12 विधायकों की ओर से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था। बतौर स्पीकर उनका यह दायित्व है कि वे विधायकों की शिकायत पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस विधायकों की ओर से मिले शिकायत पत्र की भी जांच कर रहे हैं। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जब तीनों निर्दलीय विधायक व्यक्तिगत तौर पर उनके पास इस्तीफे की प्रति लेकर पहुंचे, तो उनके साथ भाजपा के विधायक डॉक्टर जनक राज और बलवीर शर्मा थे। ऐसे में पूरे मामले की जांच करना उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि अभी ये मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है। ऐसे में वे चाहकर भी अभी इस पूरे मामले को खत्म नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनसे बतौर विधानसभा स्पीकर 22 अप्रैल को जवाब मांगा है।